हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे हों। और आज है 2 जून और दिन है थर्सडे। शाम के बज रहे हैं 4। सुबह से ही आज मैं काम में लगी हुई हूँ। जो सुबह भी मैंने रिकॉर्ड करा है, बट मैंने सोचा कि मॉर्निंग रूटीन मैं कल शेयर करूँगी, बिकॉज ऑलरेडी कल भी मॉर्निंग रूटीन गया है। सो आई थॉट कि आज मैं इवनिंग से स्टार्ट करती हूँ। सो अभी शाम के 4 बज रहा है एंड वही हमारे काम। आज फिर बहुत सारे कपड़े जुड़ गए हैं घड़ी बनाने को, तो मैंने सोचा कि जो जो कपड़े घड़ी बनाने हैं वो फोल्ड करके रख दूँ, जो प्रेस के हैं वो अलग रख दूँ। एंड आप बताइएगा कि आपके घर में क्या आप, मतलब जितनी भी लेडीज़ देखती हैं, क्या आप डेली कपड़े फोल्ड करके रखते हो या फिर जब जुड़ जाते हैं तीन चार दिन के तब करते हो? एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम फोल्ड किए थे कपड़े 4-5 दिन पहले, जो मैंने व्लॉग में दिखाया भी था, तो तब से अब फिर से जुड़ गए हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। तो क्या होता है कि जैसे कि हमारा, जैसे मैं मॉर्निंग में जो भी काम मैंने निपटाए, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर होता है मतलब मैं बेडरूम में रेस्ट करने गई तो लगा कि यार कपड़े पड़े हैं इतने सारे, उनको फोल्ड कर लें, तो मैं 4 ही बजे निकल गई। हालांकि निकल आई बेडरूम से, हालांकि मैं 2 बजे तक तो मैंने लंच ही किया, अगस्त्य को बेटे को कराया और इन सारी चीज़ों, 12 बजे तो मैं निपटी थी, तो 1 घंटा ही मैंने रेस्ट किया 3 से 4। वैसे तो मैं 5 बजे से स्टार्ट करती हूँ इवनिंग अपनी, तो लेकिन इतने सारे कपड़े थे, मैंने कहा इसमें टाइम लग जाना है 1 घंटा। तो आप समझ लीजिए, मैंने आपको 2 मिनट में दिखाया है, बट मुझे पूरा आधा पौन घंटा लगा है सारे कपड़े समेटने में। तो अभी मुझे शाम को जाना भी है थोड़ा काम से, अगस्त्य को लेके थोड़ा सा उसका स्विमिंग क्लास के लिए भी बात करनी है। और अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सा मेरे बेटे को प्रॉब्लम है हाइपर एक्टिव की, तो उसके लिए जो डॉक्टर ने प्रेफर किया था वो स्विमिंग वगैरह, साइकिलिंग वगैरह प्रेफर किया था। और इसके अलावा भी मुझे स्पीच थेरेपी भी के लिए भी बात करना है, बिकॉज़ थोड़ा सा उसका स्पीच बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। और वैसे तो अभी स्कूल जाना चालू हो जाएगा तो वो 1 बजे वापस आएगा, उसके बाद मुझे उसको ले जाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें सोच सोच के वैसे भी मैं टेंशन ले रही हूँ कि किस टाइम जाऊँ उसको लेके, बिकॉज़ सुबह 8 बजे जाएगा बच्चा, 1 बजे वापस आएगा, खाएगा पिएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, आई थिंक शाम को ही ले जाना पड़ेगा। उधर से आने के बाद फिर घर के सारे काम, क्योंकि मैं ऐसे घर बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ जहाँ जितनी मैं बिज़ी हूँ। और मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, बिकॉज़ चाहे कितना भी मुझे थकान हो, मैं वो सारी चीज़ें काम करके ही मैनेज करती हूँ, सारी चीज़ें लगाती हूँ अपनी जगह। आप देख लीजिए, ये रूम भी यूटिलिटी रूम बोल सकते हो, स्टोर रूम बोल सकते हो, फिर भी इसको मैं लगा के रखती हूँ। हालांकि इस रूम में ज़्यादातर काम के लिए आती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। चाहूँ तो इधर उधर सामान मैं रख सकती हूँ, बट कोई पर मैं मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ता है जब तक मेरा घर बिल्कुल लगा ना हो, हर जगह हर चीज़ अपनी जगह ना हो एंड ऑर्गेनाइज्ड ना हो। तो कहते हैं ना, इन सारी आदतों की वजह से आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता रहता है। अब जैसे कि ये बैग था एक, जो इतने दिन से पड़ा हुआ था नीचे, ये देखिए मैंने ऊपर रख दिया इसको, क्योंकि नीचे से वो ज़रूरत ही नहीं है, वो ट्रैवलिंग बैग है। अब जैसे कि ये बेडशीट है, ये पिलो है, अब मैं इनको चाहती तो इधर ही रखी रहने देती, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर बेड उठाया, रखा, मैंने कहा जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ रखने से आपका घर हमेशा मैनेज भी रहता है एंड लगा भी रहता है एंड सुंदर भी लगता है ना। घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरीके का हो, चाहे सामान हो ना हो, बट अगर ऑर्गेनाइज्ड है, साफ़ सुथरा रखें तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे सामान रखने के बाद मैं आ गई हूँ, मैंने सोचा चलो कंघी कर लेती हूँ, और बाल थोड़े से नीचे गिर गए थे तो मैं उठा के डस्टबिन में फेंकती हूँ। मैं कभी भी बालकनी में बाल नहीं फेंकती हूँ, सो कभी भी किसी को भी अपने कंघी के बाल ऐसे उड़ा के नहीं फेंकने चाहिए नीचे या पर। हालांकि चाहे आपकी बालकनी के नीचे कूड़ा घर क्यों ना हो, या कूड़ा घर कह रही हूँ मतलब नॉर्मल जगह क्यों ना हो, फेंकने वाली चीज़ें की प्लेस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बाल कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा ऐसे बांध के और पेपर में लपेट के ही फेंकना चाहिए। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में,
और सबसे पहले मुझे ये दो बॉटल्स साफ़ करने का एक बहुत बड़ा टास्क लग रहा है यार, क्योंकि ये मैंने अभी नई बॉटल्स मंगाई हैं और फ्रिज के लिए, क्योंकि पानी की बॉटल्स नहीं थी फ्रिज में, मैं वही पीतल की और स्टील की रख रही थी बॉटल्स जो ठंडे गर्म वाली होती है, और प्लास्टिक की थी तो प्लास्टिक की मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल थी, BPA फ्री नहीं थी। वो कहते हैं ना प्लास्टिक की बॉटल अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ये इस टाइप की मंगाई है, बड़ी चली हैं बॉटल्स, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इतनी बड़ी हैं ये कि फ्रिज में मेरे बॉटल रखने की स्पेशल जगह नहीं है, ये आई नहीं है, तो मुझे इनको लिटा के ही रखना पड़ेगा, और ऊपर से इनका ढक्कन वक्कन भी बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखने में तो अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली, लेकिन ये है कि एक बार हाथ से टूटी तो फूट जाएगी, तो मैंने कहा चलो अभी जितने दिन चल रही है तो चला रही हूँ, और थोड़ी कॉस्टली भी आती है, सो दोबारा तो मैं नहीं ख़रीदने वाली अगर टूटी तो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉटल्स वगैरह भी साफ़ कर ली, इनको भर के मैं उसमें फ्रिज में लगा दूँगी, बिकॉज़ गर्मी बहुत हो रही है यार, गर्मी की वजह से इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि काम करें तो करें कैसे यार। 4 बजे जब मैं बेडरूम से निकली तो बिल्कुल गर्माहट, एकदम से चिपचिपी वाली गर्मी पूरे ड्राइंग रूम में, किचन में, एक होती नहीं गर्म भभक जो होती है वो भरी पड़ी थी, तो सारे खिड़की दरवाजे मतलब स्लाइडिंग वगैरह मैंने खोले तो वो जो गर्माहट है वो निकल के गई है। और ड्राइंग रूम में अभी मैं प्रेफर नहीं करती बैठना, क्योंकि वहाँ पे AC वगैरह नहीं लगा है, अभी लगवाऊँगी, सोच रही हूँ लगवा ही लेती हूँ, वैसे मैं अवॉइड कर रही थी लगवाना, AC तो रखा हुआ है बट मैं लगवा नहीं रही थी, बट मैंने कहा लगवाना पड़ेगा, इतनी गर्मी हो रही है कि क्या बताएं। तो बॉटल्स वगैरह धो धा के मैंने फ्रिज में लगा दी हैं, अभी थोड़ा सा है टाइम मेरे पास, तो सोच रही हूँ कि एक सब्ज़ी है यार, ग्वार की सब्ज़ी, तो आप जानते हो यार ग्वार की सब्ज़ी मुझे मॉर्निंग में बनानी है, अभी नहीं बनानी है, तो अभी मुझे जहाँ शाम को जाना है ना नीचे बात करने के लिए अगस्त्य के लिए, तो उसमें भी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो ग्वार की सब्ज़ी काट लेती, क्योंकि वह 6 साढ़े 6 बजे चालू होता है क्लास, तो अभी 5:30 बज रहा है आई थिंक, हाँ तो समझ लो 4 बजे मैं उठी और ये सारे काम करने में 5:30 बज गया। हाँ बीच में चाय भी पी मैंने, वो नहीं दिखाया मैंने। और ये देखिए ये ग्वार की सब्ज़ी, और बहुत लोग कम लोग जानते, इवन मैं भी नहीं जानती थी पहले 4-5 साल पहले, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई थी, लेकिन हाँ जब मेरी शादी हुई मुंबई में आई तो पता चला कि हाँ यहाँ ग्वार की सब्ज़ी भी होती है कुछ, तो वही ये कट करने में बहुत टाइम लगता है यार, तो मैंने कहा ज़मीन पे बैठ के आराम से कट करती हूँ, क्योंकि खड़े 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 तो अभी तो 1.5 घंटे से मैं खड़ी हूँ, तो इसीलिए ज़मीन पे बैठ गई। जो सब्ज़ियाँ टाइम टेकिंग होती हैं लाइक पालक, मेथी, हरी धनिया छील के रखना, ये सब आराम से बैठ के थोड़ा सा हल्का सा फ़ैन ऑन करके ही मैं काम करती हूँ, तो आराम से हो जाता है। साथ ही साथ मैं अपनी फ्रेंड से भी बात कर रही थी वॉइस ओवर पे, तो वो भी हो गया। तो आज वैसे मैं बनाने वाली हूँ डिनर में रोटी एंड बैगन का भरता, मैं रेसिपी शेयर करूँगी, देखना मैं कैसे बनाती हूँ। मैं 2 टाइप का बनाती हूँ, एक ऑथेंटिक, एक फ्राई भरता बनाती हूँ, तो आज मैं फ्राई भरता बना रही हूँ। ऑथेंटिक में कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ बॉइल्ड होता है, उसमें गैस पे कुछ नहीं करना पड़ता है, बट आज मैं फ्राई बना रही हूँ। तो सब्ज़ी कट गई मेरी, मैं नीचे होके भी आ गई और पास में ही था, क्योंकि तो अभी मैंने चेंज नहीं किया, मैंने कहा लो फटाफट आके हाथ में धोए, मैंने दिया जलाया, और फिर क्योंकि टाइम हो गया था 7:30 8 बज रहा था, तो पहले मैं लहसुन की कलियां बैगन के अंदर इंसर्ट इंसर्ट कह रही हूँ, मतलब ऐसे चक्कू से चीरा मार के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये जब लहसुन भी भूंजता है ना तो बहुत टेस्ट आता है एक बैंगन के अंदर। और जब तक ये बैंगन भूंज रहे हैं ना तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सपोर्ट करें मुझे। एंड आई नो बहुत सारे लोगों ने मुझे कल कमेंट किया था कि दीदी मैंने तो सब्सक्राइब भी किया है एंड लाइक भी करती हूँ, बट जिन लोगों ने नहीं किया है और जो लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। तो यहाँ पर देखिए बैंगन को मैंने पानी में डाल दिया, पानी में डालने से क्या होता है कि इसका जो छिलका है ना वो फटाक से उतर जाता है, तो अभी मैं इसको मैश नहीं करूँगी, पहले तो इसके अंदर की चीज़ें देखूँगी यार, इसमें कीड़े होने का 50% चांसेस रहते हैं कि जब भी आप बैंगन भूंजें तो उसको कट करके एक बार देख लें कि उसमें कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है। अब मैं वो भूल गई थी, टमाटो भी मैं गैस पे पहले भून लेती हूँ तब मैं इसमें डालती हूँ, तब तक मैं हरी धनिया कट कर रही हूँ, प्याज, हरी मिर्च और क्या कहते हैं अदरक हो आपके पास तो अदरक भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। और जब तक टमाटर भून रहा है गैस पे तब तक मेरी ये तैयारी हो गई है,
तो ये देखिए इसमें बस आप एक चक्कू डाल के देख लें और पता चल जाता है घी भूंजा है कि नहीं भूंजा। तो ये देखिए इस तरह से इसको भी हम इसमें मैश कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है यार। पराठा पूड़ी पूड़ी के साथ तो नहीं, पराठे के साथ, रोटी के साथ एंड लिट्टी के साथ। कभी किसी दिन लिट्टी चोखा बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी रेसिपी। लिट्टी का जो चोखा होता है ना वो इस तरह से नहीं बनता है, वो दूसरी तरीके से बनता है। तो बैंगन के साथ आप दाल ले लो, थोड़ी सी दाल बना लो, लेकिन मैं तो नहीं बना रही, मेरा इसी में हो जाना है। बट प्रॉपर अगर आपको डिनर अच्छा बनाना है तो बैंगन का भरता, अरहर की दाल एंड रोटी एंड राइस, दिस इज़ अ कम्प्लीट फूड। तो ये देखिए वही जीरा राई लहसुन हींग हरी मिर्च डाल के सारे मसाले डाल दिए हैं। अब बैंगन को डालने के बाद इसको स्लो आँच में आपको अच्छे से भूनना है, जब तक साइड में थोड़ा सा ऑयल नहीं आता है। सो गाइस बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपसे फिर से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।